हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बड़े दिनों के बाद हम मिल रहे हैं हमारा ऑडिबल पहले तो बताइए मेरी आवाज आ रही है क्या मेरी आवाज आ रही है क्या पहले तो ये बताइए मुझे आवाज आ रहा है क्या ये तो पहली बात बता दो है ना बाकी के बातें तो बाद में करेंगे ये क्या हो रहा है? आवाज अच्छे से परफेक्टली आ रहा है क्या यस yes, परफेक्टली आ रहा है नहीं कपिल जी आपको रेगुलर क्लास देखना पड़ेगा ऐसे कैसे डायरेक्टली रिवीजन क्लास देखोगे रेगुलर देख लो यस yes, आवाज परफेक्ट है तो बड़े दिनों के बाद हम लोग मिल रहे भक्ति नीरज लक्षिका खुशी वेरी गुड इवनिंग एवरी ईशा हेलो संस्कृति गुड इवनिंग ईशा बोल रही है आज गोरा लग रहा हूँ मैं ऐसे कैसे अलग से आज क्या अलग कुछ नहीं मतलब नॉर्मल ही चल रहा है जस्ट अपडेट यस मैंने भी मिस किया बड़े दिनों से हम हमारा वैसे भी कंप्लीट हो गया था दिव्या कैलेंडर आशीष सर करवाएंगे वो आपका करवा देंगे सो डोंट वरी अबाउट इट टोटली आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है यस yes, आदिति मैंने भी आप सब लोगों को मिस किया अंकित पूछ रहे हैं एलआर कितने मार्क्स का आता है पंद्रह से बीस पंद्रह से बीस प्रियांशी आशीष सर का लेक्चर होगा जल्दी होगा सो डोंट वरी अबाउट इट डोंट वरी अबाउट इट डों नॉट वरी अबाउट इट यस नहीं आकांक्षा मैं किसी को बुला नहीं हूं वॉइस नहीं आ रही है आ रहा है ना आ रहा है सब लोग तो बोल रहे हैं, आ रहा है शाहिल जी आप पूरा 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 देख लीजिए प्रियांशी यस मैंने भी सभी को मिस किया यस भूमि एब्सुलटली वर्तिका वेरी गुड इवनिंग टू यू प्राची यस वेरी गुड इवनिंग टू यू नहीं रितिक मैं किसी को भूला नहीं हूं आप सब लोग मुझे बिल्कुल याद हो ईशा <laughs> टेंशन मत लेना एग्जाम में इजी क्वेश्चंस रहते रहे Easy questions रहते हैं इसने इतना बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं है यस yes, अभयंकर मैं बिल्कुल याद हो आप मुझे बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग डिम्पल रुतुजा यस लेट स्टार्ट लेट्स यस 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 क्लियर है बॉइस कोई कोई दिक्कत नहीं है ओके यस मुस्कान आप पहले से हो सृष्टि हम प्रैक्टिस करेंगे ना कोई टेंशन नहीं रहेगा आयशा नहीं बिल्कुल इग्नोर किसी को नहीं कर रहा हूं चलिए ऋषिका भक्ति वर्षा शर्मीन चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिगिन बिगिन। नाउ। ओके, ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे देखो मेरा आज सेशन होगा उसके बाद मेरा सेशन परसो होगा कल मेरा सेशन नहीं है कल मुझे थोड़ा काम है तो कल नहीं सेशन होगा परसों सेशन हो जाएगा और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हम रिविजन करेंगे और आज आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का रिविजन करवाने वाला हूं और वेंसडे को वेंसडे को हम ब्लड रिलेशन करेंगे क्या करेंगे हम वेंसडे को ब्लड रिलेशन कर देंगे वेंसडे को ब्लड रिलेशन करेंगे ठीक है माधवी अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे तो रेगुलर लेक्चर देख के आना नहीं शिवम बिल्कुल नहीं ओके okay. नहीं कनेश वगैरह नहीं हुआ अभी स्टार्ट कर रहा हूं हा चलिए शुरू कर देते हैं नहीं दीपाली आपको रेगुलर क्लास देखना होगा ये रिवीजन फटाफट हो जाता है रे मतलब रेगुलर क्लासेस में कैसे धीरे 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 हमने एक एक कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट अब रिवीजन सेशन में मैं आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस है दीज आर रिवीजन सेशंस मतलब प्रैक्टिस सेशंस आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा हर एक सेशन में मैं लगभग आपको बारह तेरह बारह तेरह क्वेश्चन करवा दूंगा तो मतलब आपका प्रैक्टिस होते जाएगा ठीक है और लास्ट में मैराथन तो होना ही है अपना है ना लास्ट में मैराथन तो होना ही है चलिए 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 पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देने वाला हूं और उसका इमीजिएट डिस्कशन होगा पहला क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए श्वेता होगा मैराथन के अनाउंसमेंट हो जाएगी सो डोंट वरी अबाउट इट आशीष सर कैलेंडर लेक्चर भी करवाएंगे सो डोंट वरी अबाउट इट ऑल्सो पहला पहला क्वेश्चन इन अ सर्टन कोड एल यू टी एल यू टी इज कोडेड एज इज कोडेड एज एम यू टी मतलब क्या किया है मतलब क्या किया है ये ये और ये ये तीन सेम रखे हैं और ये L के जगह पे लिखा है M. l के जगह पे लिखा है m मतलब क्या किया है प्लस 1 किया है सिर्फ पहला लेटर क्या किया है प्लस 1 एक बाद वाला लेटर लिया है वैसे ही pet is coded as gate pet को लिखा है गेट पेट को लिखा है गेट तो पेट को लिखा है गेट मतलब ये वापस तीन सेम है और f का नेक्स्ट लेटर लिया है f प्लस 1 किया है तो ऑफकोर्स ऑफकोर्स ब्लू कैसे लिखा जाएगा ब्लू कैसे लिखा जाएगा ब्लू कैसे लिखा जाएगा ये सेम रहेगा एल यू e, और बी का एक प्लस अच्छा ये ओके okay. ब्लू का एक प्लस तो ऑप्शन लिख क्यों नहीं पा रहा हूं मैं हाँ क्लू ऑप्शन ए आ जाएगा ऑप्शन ए रुकिए 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 मैं दूसरा फाइल ओपन करता हूं जिसमें मैं लिख पाऊंगा ये रहा ये रहा हा ब्लू की जगह पे क्या आएगा ब्लू की जगह पे ये तीन सेम आ जाएगा एल यू -E और बी प्लस वन मतलब सी ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्लू सबका आ चुका है वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस सबका आंसर आ चुका है चलिए अगला क्वेश्चन इस सेशन में हमारा पर्पज फटाफट क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा दोस्तों मैं आपको पहले ही बता के रख रहा हूं इस क्वेश्चन मतलब सेशन ये जो रिविजन सेशन होंगे उसका हमारा पर्पज फटाफट 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 फट, फटा क्वेश्चन सोल्व करने के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा क्योंकि अब आप अब आप सब जानते हो ठीक है फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मद्रास है ये मद्रास है और इसका ये एन बी है बी है बी है ये एन बी है चलिए क्वेश्चन सोल्व कर दो स्क्रीन इज नॉट क्लियर नहीं बिल्कुल क्लियर है मेरे फोन पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप फोन पे आपने क्वालिटी इंप्रूव करना वीडियो की वहां पे ऑप्शन रहता है चलिए फटाफट बताइए मद्रास इज कोडेड एज एन बी एस -E बी टी बॉम्बे को कैसे कोड किया जाएगा हाँ क्लियर है स्क्रीन सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी ऑप्शन सी अंजलि क्या बोल रही है मुझे मैंने मैं मिस हो गया कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे मद्रास एम ए डी आर ए एस मद्रास इसको कोडिंग कैसे किया गया है एन बी ई एस बी टी अरे प्लस वन है प्लस वन 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 है प्लस वन प्लस वन है रे दोस्तों अरे दोस्तों प्लस वन है प्लस वन है, प्लस वन है तो बॉम्बे कैसे कोड किया जाएगा बॉम्बे कैसे कोड किया जाएगा प्लस वन करेंगे ये प्लस वन करेंगे तो सी आ जाएगा पी आ जाएगा प्लस वन करेंगे तो एन आ जाएगा प्लस वन करेंगे तो सी आ जाएगा प्लस वन करेंगे तो बी आ जाएगा प्लस वन करेंगे तो जेड आ जाएगा सीपीएनसीबीजेड सीपीएनसीबीजेड बी ऑप्शन बी इज करेक्ट बी इज करेक्ट बी 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 करेक्ट प्लस वन करेंगे प्लस वन करेंगे यस एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन बी चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन आ चुका है चलिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको भी डिस्कस करेंगे चलिए सोचिए 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 अब तेजी से फास्ट में होगा फास्ट में होगा होना भी चाहिए आपका फास्ट चलिए तेजी से करिए अंजलि बोल रही है एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा अंजलि वही तो इसीलिए तो फास्ट करवा रहा हूं इसीलिए तो फास्ट करवा रहा हूं आपका स्पीड बढ़ा रहा हूं नाउ अवर मोटिव इज टू इंप्रूव द स्पीड स्पीड फास्ट करना ये मोटिव है इस सेशन का। अमृता ये जितना प्रैक्टिस करोगे विदाउट पेन पेपर भी हो जाएंगे सिर्फ आंखों का खेल है सिर्फ आंखों का खेल है देख के देख के ही प्लस वन माइनस वन समझना है प्लस वन माइनस वन आंखों से देख के ही समझना है ऑप्शन बी बोल रहे हैं ऑप्शन बी बोल रहे हैं कैसे 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 एफ आई एस एच एफ आई एस एच को लिखा है ई एच आर जी ई एच आर जी मतलब क्या है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन एक पिच्छू वाला लेटर लिया है एक पिच्छू वाला लेटर लिया है हाउ वुड जंगल बी रिटर्न इन दैट कोड जंगल 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 आप लोगों का ऑप्शन भी आ रहा है माइनस वन यस माइनस वन आप आए यू का पहले वाला लेटर टी एन का पहले वाला लेटर एम है ना एन का पहले वाला लेटर जंगल एन का पहला ये ऑप्शन में गड़बड़ है क्या ऑप्शन में गड़बड़ है क्या ऑप्शन में ऑप्शन में गड़बड़ है क्या ऑप्शन में गड़बड़ है हाँ ऑप्शन में गड़बड़ है रे एन का पहला जंगल में ऑप्शन में गड़बड़ है एम जी के पहले वाला लेटर एफ एल के पहले वाला लेटर के ई e के पहले वाला लेटर डी यहां पे ऑप्शन में गड़बड़ है एम चाहिए ऑप्शन में गड़बड़ है ना अंजलि एग्जाम में आते हैं इतने इजी क्वेश्चंस, आप डरना मत आप टेंशन मत लो और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवा रहा हूं ना अरे शुरुआत तो करने दो बड़े अरसे के बाद मिले थोड़े शुरुआत आराम आराम धीरे धीरे से करेंगे पहले ही बॉल पे रोहित शर्मा के जैसा आउट होना है क्या हमें पहले ही बॉल पे रोहित शर्मा जैसा आउट थोड़ी होंगे अपन है ना यहां पे एम चाहिए एम अच्छा अरे बोल रहा है दूसरा कोई था नहीं बोले तो इसलिए कर दिया बट हाँ ऑप्शन में करेक्शन होना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है हाँ वार्म था ये वार्म अप था ये वार्म चलो अगला ये बीच का थोड़ा सा गड़बड़ प्रिंट हुआ है ओके चलिए ये कर दीजिए ये कर दीजिए चलो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया फटाफट फटाफट आप स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ तेजी से तेजी से तेजी से दोस्तों करो रोड इज रिटर्न एज यू आर डी जी यू आर डी जी आर ओ ए डी इसको लिखा है यू आर डी जी फिर क्या पूछा है स्वैन को क्या लिखेंगे स्वैन को क्या लिखेंगे ऑप्शन बोलिए आराम से आराम से सोच समझ के सोच समझ के सोच समझ के कुछ लोग बोल रहे हैं बी अच्छा ऑलमोस्ट बी ही बोल रहे हैं बी लॉजिक बोलिए लॉजिक बोलिए दोस्तों लॉजिक बोलिए लॉजिक लॉजिक के साथ समझाना मुझे लॉजिक के साथ समझाना अब आप जानते हो अब आप जानते हो कैसे करना है है ना आप बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे हो दैट्स गुड बहुत तेजी से यू आर प्रोसीडिंग वेरी फास्ट दैट्स फंटास्टिक दैट्स फंटास्टिक आर के बाद देखो पी क्यू आर एस टी यू मतलब प्लस थ्री है आर के बाद प्लस थ्री करेंगे प्लस थ्री किया प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री उसके बाद ओ के बाद देखो ओ के बाद पी क्यू आर प्लस थ्री ए के बाद बी सी डी प्लस थ्री डी के बाद ई एफ जी प्लस थ्री प्लस थ्री यस प्लस थ्री करेंगे तो प्लस थ्री का लॉजिक है एस के बाद क्या आएगा टी यू वी डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड जेड ए के बाद बी सी डी उसके बाद N के बाद ओ पी क्यू तो क्यू बी जेड डी क्यू ऑप्शन बी यस सबका आ चुका है Yes, यस तक क्लियर यहां तक क्लियर यस yes, पुष्पेंद्र को आ गया है गायत्री डरने की जरूरत नहीं है अब हम रिवीजन कर रहे हैं मैराथन करेंगे सब आराम से फंटास्टिकली हो जाएगा टेंशन बिल्कुल मत लेना बिल्कुल जरूरत नहीं है टेंशन लेने की देखो आपको सबको सभी आ रहा है अब क्या टेंशन है अब क्या टेंशन है आपका स्पीड भी बढ़ रहा है हा चलिए लीजिए लीजिए ये ऑपरेशन पूरा ये कर देता हूं कैपिटल में करता हूं ऑपरेशन ठीक है चलिए 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 प्रोसीड फटाफट फटाफट चलिए ऑप्शन बताना फटाफट ऑप्शन बताओ फटाफट ऑपरेशन को कैसे किया है ऑपरेशन ऑपरेशन को लिखा है एन ओ डी क्यू डी यू जे पी ओ अच्छा ओ के पहले एन आता है तो ये माइनस वन है, है ना पी के पहले ओ आता है ये भी माइनस वन है ई e के पहले डी आता है माइनस वन है आर के पहले माइनस वन ए के पहले ये क्या है ए के पहले डी नहीं 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 ये मिसप्रिंट है मिस्प्रिंट है दोस्तों ये ये हमारे टाइपो वाले इंसान ने आज कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया है ये ये सी चाहिए ये सी e चाहिए ई e, e, e. e चाहिए ई चाहिए हमारे टाइपो वाले इंसान ने आज थोड़ा ज्यादा ही E कर दिया है क्या सही किया है उसने तो माइनस वन टी यू अच्छा ये प्लस वन है दोस्तों 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 अच्छा 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 ये ए सपोज ले लिया ये ए ले लिया ये ये क्या है पी क्यू आर एस टी यू मतलब ये प्लस वन है ये प्लस वन है I के बाद प्लस वन ओ के बाद प्लस वन एन के बाद प्लस वन अच्छा ऊपर वाला हाफ जो है वो माइनस वन है नीचे वाला हाफ प्लस वन है अच्छा अरे बाप रे, अरे बाप रे. ऊपर वाला हाफ माइनस वन नीचे वाला हाफ प्लस वन ऊपर वाला हाफ माइनस वन नीचे वाला हाफ प्लस वन और बीच में जो है बीच में जो है वो प्लस थ्री है अच्छा ये अजीब सा लॉजिक लगाया है अजीब सा लॉजिक लगाया है अजीब सा लॉजिक लगाया है अच्छा इनविजिबल कैसे लिखा जाएगा इन इन्वी विजिबल इनविजिबल अब अब सी आ रहा है बोल रहे अब से पहले तो डीडी बोल रहे थे अब सी बोल रहे अच्छा ये कैसे हो गया जादू ये कैसे जादू हो गया अच्छा यहां पे क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे यहां पे क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे h यहां पे माइनस -1।, 1 m यहां पे माइनस वन यू यहां पे माइनस वन एच एच एम यू एच एच एम यू एच फिर बीच का लेटर प्लस थ्री बीच का लेटर प्लस थ्री एस के बाद टी यू वी इसके बाद वी आएगा इसके बाद वी आएगा इसके बाद वी आएगा है ना ये ये हमारे इंसान ने गड़बड़ कर दिया है शायद हाँ गड़बड़ कर ही दिया ऐसा लग रहा है गड़बड़ कर ही दिया है गड़बड़ कर ही दिया है ऑप्शन में मिसप्रिंट कर दिया है ऑप्शन में मिसप्रिंट किया है ठीक है जो भी है हमारा लॉजिक करेक्ट e तो होना चाहिए आई के बाद प्लस वन आई के बाद प्लस वन जे बी के बाद प्लस वन सी बी के बाद प्लस वन सी उसके बाद एल के बाद प्लस वन एम ई के बाद प्लस वन एफ तो यहां पे वी होना चाहिए टी नहीं सी ऑप्शन में वी होना चाहिए हमारा टाइपो वाला इंसान थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देता है ठीक है ऑप्शन नहीं है नहीं ठीक है ऑप्शन में चेंजेस कर दिए और उस, उसका गड़बड़ हो गया आज जरा वो घाई गड़बड़ में करके भाग गया वो करके भाग गया वो देखा ही नहीं उसने और बाद में हाँ पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं सर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा ही है ओके पुष्पेंद्र जी मतलब आपको तो इतना बहुत आसान लग रहा है हर्ष बोल रहे है, यही डिफिकल्ट है बोले संस्कृति बोल रही इतना टाइम जा रहा है अरे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको एग्जाम में अरे आपको लग रहा है कि एग्जाम में किसी को एक्सप्लेन नहीं करना आपको एग्जाम में टिक मार्क करके आगे चलना है एक्सप्लेन करते बैठेंगे क्या वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई बोल रहे आर्यन को कॉल किया होगा बोले अजीब ही है ओके चलिए 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 नहीं रहेगा अंजलि पेपर पेन अलाउ नहीं रहेगा एग्जाम में चलिए अगला क्वेश्चन कर दीजिए आप कर दीजिए आपके सामने आ गया कर दीजिए कर दीजिए बोलो ना सार्थक सुनो ना बोल रहे हो बोलो ना कहो ना कुछ हाँ लेवल बढ़ाऊंगा ना नहीं शालू नहीं 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 नहीं, नहीं। फेवर इसको क्या लिखा है ई बी यू पी टी एस अच्छा डेंजर का पूछा है जस्मिन मेहनत करके इतना फास्ट भी हो जाता है चलो कुछ लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, वैष्णवी नवंबर सेकंड वीक में कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, पक्का बोलिए पक्का बोलिए पक्का हंड्रेड परसेंट श्योर बोलिए हंड्रेड परसेंट श्योर बोलिए बी बोल रहे हैं आप सब लोग अब बी बोल रहे बी बी बोल रहे बी अच्छा प्लस वन माइनस वन का लॉजिक है क्या पक्का एफ के पहले ई आता है तो ये माइनस वन है ये माइनस वन है ए के बाद बी आता है प्लस वन वी के पहले यू माइनस वन ओ के बाद पी यू के पहले टी आर के बाद एस माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन का लॉजिक चलिए माइनस वन करेंगे सी प्लस वन करेंगे बी माइनस वन करेंगे एम प्लस वन करेंगे एच माइनस वन करेंगे डी प्लस वन करेंगे एस सी बी एम एच डी एस सी बी एम एच डी एस ऑप्शन बी सबका आ चुका है सबका आ चुका है क्या यहां तक करेक्ट है क्या अच्छा चलिए ये भी जम गया आपको और फिर जमता ना आपको जमता ना किसने सिखाया इतना आपको हा? कैसे क्या इतना किसने सिखाया आपको कौन है वो कौन है वो पुष्पेंद्र बोल रहा है ये तो बहुत लड्डू है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ लीजिए ले लीजिए कीजिए अच्छा ये ऑप्शंस रॉन्ग है ऑप्शंस मैं हटा देता हूं आपको करेक्ट ऑप्शन ही हटा देता हूं आपके सामने से ना ऑप्शन ही हटा देता हूं चलिए बताइए बताइए यस रुचि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आते, आते 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 हो जाएगा प्रसाद आप आप खुद क्या करना खुद बिना पेन पेपर लिए सॉल्व करने बैठ जाना उसका तरीके का प्रैक्टिस करो फिर हो जाएगा चलो चलिए 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 मैं ऑप्शन ही हटा दिया आपके सामने से मुझे करेक्ट आंसर बताना आप करेक्ट आंसर बताइए यस yes, दीक्षा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आई एन टी आर पक्का पक्का क्या गड़बड़ किया है आपने गड़बड़ किया है आपने वी आई एन टी आर बोल रहे हो तो गड़बड़ तो किया है ऐसा लग रहा मुझे ऐसा गड़बड़ किया है लग रहा है वी आई एन टी आर लिखा है तो गड़बड़ है गड़बड़ किया फंस गए फिर फंस गए फिर फंस गए लड्डू वाले क्वेश्चन में फंस गए देखो समर है ये ये है समर समर अच्छा और लिखा समर के जगह पे क्या है रनर लिखा है रे रनर लिखा है रनर तो पहले इसमें क्या है देखो पहले इसमें क्या है पहले इसमें क्या है एस के जगह पे आर है माइनस वन माइनस वन ये प्लस जीरो ये क्या है प्लस वन है प्लस वन है ये प्लस जीरो है और ये प्लस जीरो है है ना अच्छा मतलब क्या किया है पहला और बीच के दो वो बदले हैं बाकी सब कुछ सेम है पहला बदलने का पहला बदलने का पहले में माइनस वन वी पहले में माइनस वन बी आई एज इट इज प्लस जीरो उसके बाद एन एन का प्लस वन प्लस वन ओ फिर टी का प्लस वन यू उसके बाद ई e, आर इसको कुछ नहीं करेंगे इसको कुछ नहीं करेंगे ई आर ई आर बी आई ओ आर बी आई ओ आर इज दिस योर आंसर कितने लोगों का सही आया वो थम्सअप कर करो कितने लोगों का सही आया वो थम्सअप करो बी आई ओ आर बी आई ओ यू ई आर ये आ चुका है क्या हाँ देखो ये यहां है ना मैंने आपको बीच बीच में ऐसे फंसाते रहूंगा गुगली डालूंगा ना ऐसे गुगली डालूंगा आपको रोहित शर्मा करूंगा मैं या के राहुल क्लीन बोल्ड है ना यस yes, आ गया यस yes, आ चुका है वेरी गुड चलिए 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 मतलब तेजी से आप सॉल्व कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है वेरी नाइस परफेक्ट है चलिए आगे फिर यस, yes, कुछ लोग आउट हो गए okay, है ना ओके चलिए ये सॉल्व कर दो ये सॉल्व कर दो चलो 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 फटाफट नहीं फंसे तो दैट्स नाइस nice. हम कोहलिए बोल रहे हैं माई बोल रहे हैं हम कोहलिए हाँ। कॉन्फिडेंस आएगा ना गायत्री क्यों नहीं आएगा वो धीरे धीरे जितना आप तेजी से तेजी से प्रैक्टिस करते जाओगे न, ए, दिख रहा है? ऐसा फंसा तो नहीं वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप फंसो ना इसके लिए कोशिश कर रहा हूं एग्जाम में नहीं फंसने चाहिए अभी कितना भी फंसाओ अभी फंसोगे तो चलेगा एग्जाम में फंसना नहीं है एग्जाम में फंसना नहीं है वेरी गुड अनुष्का वेरी गुड हेमा सिंह ऑप्शन ए ऑप्शन ए।, ए बोल रहे हैं अंबिका को अब अच्छा जम रहा है अब प्लर है क्या करूं आपने? थोड़ा जूम करूं जूम इन ज़ूम आउट करूं जूम इन जूम आउट हो रहा है क्या कुछ बात बन रही है कि नहीं बात बन रही है कि नहीं क्वालिटी और इंप्रूव करूं मेरा इसमें देखते हैं अब तो क्लियर है रे क्वालिटी इंप्रूव किया तो अच्छे से दिख जाता सही है हाँ चलिए हाँ चलिए सॉल्व कर देते आप सॉल्व कर देते प्रोडक्शंस ओके पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन एस उसको कैसे लिखा है उसको कुछ अजीब सा लिखा है क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम थी ओके तो P के बाद Q प्लस वन R के पहले Q माइनस वन ओ के बाद P प्लस वन डी के पहले सी माइनस वन यू के बाद वी प्लस वन सी के अच्छा यहां पे कुछ अजीब है यहां पे कुछ अजीब है रे दोस्तों यहां पे कुछ अजीब है, है, के बाद E आया यहां पे अजीब सा बीच में प्लस टू कर दिया है अजीब सा प्लस टू कर दिया है है ना अजीब सा प्लस टू कर दिया है उसके बाद टी के पहले नहीं, प्लस वन ये प्लस वन है ये ये मिस्टेक है रे ये हमारा टाइपो वाले ने आज बहुत ही गड़बड़ कर दिया है ये बी चाहिए ये बी चाहिए ये बी चाहिए ये माइनस वन लॉला लॉजिक बैठता है फिर माइनस वन हमारे टाइपो वाले ने आज अजीब ही कर दिया है ठीक है आई के पहले एच ओ के बाद पी एन के पहले एम एस के बाद टी प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन बी चाहिए वो बीच में हमारे टाइपो वाले इंसान को अब कल झापता हूँ कल झापता हूँ रुको झापू क्या उसको झापू के छोड़ दूझ दूर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक या डेढ़ मिनट में होना चाहिए आइडियली एक या डेढ़ में अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए हमारा हर क्वेश्चन में लगभग तीन चार मिनट लगता है बीच बीच में मैं बातें भी करता हूं आपसे आपके साथ है ना बीच बीच में बातें भी करता हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए इसलिए मजे मजे करते रहते अपन है ना तो ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन प्लस वन माइनस वन का ओ के बाद पी ओ के बाद पी आर के पहले क्यू आई के बाद ये प्लस वन हो गया ये माइनस वन हो गया आई के बाद प्लस वन करना है जे ई e के पहले डी एन के बाद ओ टी के पहले एस ए के बाद बी टी के पहले एस आई के बाद जे ओ के पहले एन और ये लास्ट वाला एन है ना ये लास्ट वाला क्या है एन है हा एन के प्लस वन ओ पी क्यू जे डी ओ पी क्यू जे डी ओ एस है एस है

यस yes, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आदिश आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं सुमित कोई बात नहीं धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा ऋषिका बोल रही है मैं टाइपिंग कर देती हूं ओके चलेगा अगली बार आपको दे देता हूं <laughs> ओके ठीक है ठीक है आप हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप एक काम कर सकते हो स्कैनर से कर सकते हो स्कैनर से और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो हमारा नोट्स आपने सॉल्व किया ही होगा मैंने जो क्लास में करवाया वो भी आपने करवा दिए होंगे स्टडी मटेरियल मतलब देखो अपना जो मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल से लिया गया है काफी चीजें स्टडी मटेरियल के लिए है मेरे तो वो भी आपका सॉल्व हो गया हमने जो क्लास में अलग-अलग क्वेश्चंस करवाए थे वो भी आपके हो गए तो अब आप स्कैनर कर सकते हो स्कैनर आप कभी भी मतलब आपको आ, कर सकते हो कोई टेंशन नहीं है अच्छा ईशा बोल रही है प्लस टू करवाने के बाद वो सही हो जाता है प्राची सुनाओ अब सुन सुन आप मैं सुन रहा हूं, सुनाओ सिमरन आपको नोट्स नहीं मिला है अच्छा पलक बोल रही है और प्लस टू करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा हाँ लेकिन पलक देखो जनरली ऐसा आ, मतलब बीच में ऐसा प्लस टू वगैरह फिर उनको और एक वर्ड देना पड़ेगा और एक वर्ड देना पड़ेगा बीच में प्लस टू डाल दिया तो पल्लवी यस सुचिता का का आ, ले सकते हो अच्छा एक एक काम करूं क्या मैं स्कैनर का पीडीएफ आपके साथ शेयर करूं स्कैनर का पीडीएफ शेयर करूं मैं आपके साथ स्कैनर का पीडीएफ शेयर करूं नहीं दीक्षा और थोड़े से करेंगे ना क्वेश्चंस और थोड़े से करेंगे ना सिमरन आप ऑफिस में उसके लिए आप ऑफिस में कांटेक्ट करो नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑफिस से या वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना ना अपनी जो यूनिक की वेबसाइट है वहां पे है नोट्स का ये ठीक है ठीक है, है मैं एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं स्कैनर में आपके सारे ग्रुप्स पे डाल देता हूं ठीक है मैं खुद ही डालता हूं आज मैं खुद ही डालता हूँ ठीक है चलेगा चलेगा ठीक है ओके okay, चलेगा हा देखते देख दोस्तों ये देखते किसको आता ये देखते किसको आता ये देखते किसको आता चलिए कर दीजिए यस yes, आज ही लक्षिका में आज ही सारे ग्रुप्स में स्कैनर शेयर कर देता हूं स्कैनर में शेयर कर देता हूं यस वेरी गुड अंजलि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है दैट्स वेरी नाइस प्रियांशी बोल है टेलीग्राम पे करूँ क्या ठीक है टेलीग्राम पे कर देता हूं फिर मैं एक काम करता हूं मैं हमारे सागर भाई को बोलता हूं सागर भाई के साथ शेयर कर देता हूँ वो टेलीग्राम पे डाल देगा टेलीग्राम पे डाल देगा वो यस पक्का ऋषिका यस पक्का यस दीपाली क्लॉक का भी रिवीजन करवाऊंगा परसों में ब्लड रिलेशन करवा रहा हूं उसके बाद क्लॉक लेता हूं चलेगा उसके बाद क्लॉक लेता हूं उसमें क्या है रितिका मुझे अभी आइडिया नहीं है आज आपका एग्जीक्यूटिव का कौन सा क्लास है ये आइडिया नहीं है मुझे पीपीटी नहीं आया मैंने शेयर किया है चेतन मैंने शेयर किया है मैं सागर भाई को बोलता हूं सागर भाई को बोलता हूं निशिका बोल रही आज के क्वेश्चन अच्छे थे अरे आपको आने लगा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है अब आपको सब आपने लेक्चर्स देखे हैं उसका फायदा हो रहा है आपको चेतन मैं बोलता हूं उसको ठीक है चलिए अच्छा ये कौन सा टाइप है यह बताओ हो दोस्तों मुझे बताओ ये कौन सा टाइप है यह हमने जो सारे टाइप्स किए उसमें से कौन सा टाइप है ये कौन सा टाइप है कुछ लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं कुछ लोग बी बोल रहे हैं। कौन सा टाइप है कौन सा टाइप है देखो ये कौन सा टाइप है माइनस टू बोल रहे हैं। वेन डायग्राम का लेक्चर करवा दिया देखा नहीं आपने माइंड बिकम्स माइंड का क्या है माइंड का क्या है के जी एल बी के जी एल बी आरग्यू क्या है आरग्यू आरग्यू बिकम्स क्या है वाई पी ई एस सी और पूछा क्या है पूछा क्या है डायग्राम दोस्तों दोस्तों ये माइनस टू प्लस टू सोचने की जरूरत है क्या अरे ये इस हिसाब से भी आप दिमाग चला सकते हो मतलब देखो ये एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं एक रास्ता बता रहा हूं ये रास्ता बता रहा हूं ये माइनस टू प्लस टू इसके बारे में भी इस क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं आपको देख रहे हो क्या आपको जो क्वेश्चन में पूछे है जो क्वेश्चन में वर्ड्स दिए है वही है डायरेक्ट कोडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप बात समझ में आ रही है क्या आपको डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या मतलब क्या देखो ये मतलब क्या देखो डी का बी ले लेने का डायरेक्ट डी का डायरेक्ट बी लेने का हां क्वेश्चन में ही आंसर है ये डायरेक्ट कोडिंग वाला है क्या ये समझ रहे हो क्या आप डायरेक्ट कोडिंग डी का बी लेने का फिर क्या है आई का आई का देखो आई का जी है आई का जी है आई का जी आई का जी है उसके बाद उसके बाद उसके बाद, बाद ए का क्या है ए का ए का है वाई ए का है वाई ए का है, है वाई उसके बाद जी जी का क्या है ई है जी का क्या है ई है जी का क्या है ई है ई जी का ई है उसके बाद उसके बाद आर का क्या है आर का आर का है पी आर का है पी आर का है पी। ए का क्या है ए का तो आय है ए का तो आय है और एम का क्या है एम का क्या है एम का क्या है के है। एम का क्या है तो जी वाई आर वाई के बी जी वाई आर वाई के आर आर का क्या है पी है सॉरी यहां पे पी कर देता हूं यहां सा ओ माय गॉड ओ माय गॉड ऑप्शन ए धोखा हो गया आपके साथ आप सब लोगों ने बी बोला था आप सब लोगों ने बी बोला था आप, गड़बड़ हो गई ना गड़बड़ हो गई ना ऑप्शन ए आ रहा है पी की जगह पे बी नहीं बनेगा बराबर है सुधांशु क्या बोल रहे सुधांशु एग्जैक्टली exactly तो आप मुझे मैसेज कर दे मुझे मैसेज कर दो यही बोला था क्या आपने आपने यही बोला था लोगों दोस्तों आपने यही बोला था कुछ लोगों ने बी बोला था जो बी बोला उन्होंने वो फंस गया जो बी बोला उन्होंने फंस गए। ए जिसने बोला है वो सही है जिन्होंने भी ए बोला है वो सही है हाँ ए बोला है क्या आपने ए बोला है ए बोला था ए बोला था ए बोला है तो परफेक्ट है ए बोला है तो परफेक्ट है ए बोला है तो परफेक्ट है करेक्ट है ए बोला है तो परफेक्ट है हनी बोल रहे है, मेरे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं आप रेगुलर क्लासेस देख लो आपको रेगुलर क्लासेस का पूरा प्लेलिस्ट दिया है डायरेक्ट रिवीजन मत करना वो बहुत फास्ट हो जाता है रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है हाँ, क्विज में अरे क्विज में आपको थोड़ा सा टेस्ट भी किया जाता है ना मेन एग्जाम में इतना टेंशन नहीं रहेगा निखिल कैलेंडर का करवा देंगे आशीष सर करवा देंगे सो डोंट वरी अबाउट इट डोंट वरी अच्छा नीरज मेरे पास जो स्कैनर है वो तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ शगुन इज आस्किंग फॉर नेक्स्ट लीजिए लीजिए दोस्तों लीजिए अच्छा वेंसडे को कैलेंडर का है ठीक है वेंसडे से स्टार्ट हो जाएगा कर देंगे आप डोंट वरी अबाउट इट हम तब तक बाकी का रिवीजन कर देंगे ना उनका जब तक कैलेंडर करेंगे आशीष सर करवाएंगे तब तक हम बाकी के टॉपिक्स का रिवीजन कर देंगे खत्म हो गई बात फिर है ना चलिए 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 ये चलिए आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन ये कर देना ये कर देना ये कर देना चलिए ये कर दो बताओ ये बेसिक बेसिक को क्या लिखा है डी डी यू एल ई अच्छा फिर पूछा क्या है लीडर का पूछा है लीडर का पूछा है ठीक है आप लोग ऑप्शन बी बोल रहे हो आप लोग ऑप्शन बी बोल रहे अच्छा बी के जगह पर लिखा है डी मतलब प्लस टू है ए के जगह पर लिखा है डी मतलब प्लस थ्री है एस के बाद एस टी यू मतलब प्लस टू है आई के बाद आई जे के एल प्लस थ्री है C के बाद प्लस टू करके प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री वाला लॉजिक है प्लस टू प्लस थ्री मतलब पहले प्लस टू करेंगे L के बाद एम एन E के बाद प्लस थ्री करना पड़ेगा E के बाद प्लस थ्री एफ जी एच एफ जी एच ए के बाद प्लस टू मतलब C D के बाद प्लस थ्री करना पड़ेगा E F G E F G E के बाद प्लस टू मतलब F G R के बाद प्लस थ्री एस टी यू मतलब सी जी जी यू ऑप्शन बी आ रहा है क्या आ रहा है क्या जम रहा है ओके तो मुझे बताइए ये रिवीजन सेशन आपको फायदेमंद लग रहा है फिर से मतलब बताइए मुझे ये रिवीजन सेशन आपको फायदेमंद लग रहा है इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करें कुछ लोग बोल रहे हैं आज बस कुछ लोग बोल रहे हैं और क्वेश्चन करवा दीजिए यस और क्वेश्चन हाँ करेंगे ना करेंगे करेंगे हाँ जान प्रियांशी हो जाएगा हो जाएगा यस yes, अच्छा लग रहा है सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छा लग रहा है दैट्स नाइस दैट्स नाइस बढ़िया ओके यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस 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 ओके तो आ, कल मेरा क्लास नहीं है मेरा क्लास होगा परसों वेंसडे को वेंसडे को होगा थर्सडे फ्राइडे चलते रहेगा ठीक है प्रैक्टिस करके, रखना? करके मतलब, कर आना प्रैक्टिस करके आना तो यहां पे फास्ट हो जाएगा प्रैक्टिस करके आओ तो फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन और मैराथन में भी करेंगे ना और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सो तो अबाउट इट don't worry about it अरे टेंशन मत लेना आराम से एग्जाम क्लियर क्रैक हो जाता है सो डोंट वरी अबाउट इट डोंट वरी अबाउट इट यस 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 पक्का हाँ, और क्वेश्चंस करेंगे हम सो डोंट वरी अबाउट इट मैं आपके साथ बना रहूंगा सिर्फ दिवाली के बीच में मैं शायद बीच में पांच 6 दिन नहीं हूं अदरवाइज उसके पहले हम मैक्सिमम रिवीजन करेंगे दिवाली के बाद भी हम चाहे तो मैराथन वो सब चलता ही रहेगा जब तक आपका एग्जाम है तब तक हम करते ही रहेंगे मिलते ही रहेंगे ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू मैराथन का अनाउंसमेंट हो जाएगा अब सर वो अनाउंसमेंट कर देंगे तब हम मिलेंगे ठीक है ठीक है परफेक्ट है परफेक्ट है तो वेन्सडे को ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस करके आना हम यहां पे ऐसे ही फटाफट 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 क्वेश्चंस करते जाएंगे ठीक है आज के लिए बबाई Take care, good night.